हेलो गाइस, कैसे हो? तो दोस्तों, कोविड से रिलेटेड दो तीन अपडेट आया है यूएई से रिलेटेड, तो उसके बारे में मैं जस्ट आप लोग से बात करने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे वर्कर भाइयों का सवाल भी था इस तरह का कि अभी कोविड में लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो गवर्नमेंट ने जस्ट एक ही अपडेट दिया है दोस्तों, कोरोना वायरस से रिलेटेड। तो इस पर आपसे बात करने वाला हूँ कि अभी जो लेटेस्ट अपडेट है उसे डेली का कितना केस आ रहा है, और अभी बहुत सारे कंट्री में मास्क फ्री है, फिर भी अभी भी दुबई में रूल उसी तरह का टाइट है दोस्तों। तो इसके बारे में आपसे प्रॉपर बात करने वाला हूँ। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि जो भी बताऊँगा दोस्तों रियलिटी के बेस पे बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ कि यह अपडेट क्या है। तो दोस्तों देखिए, पहले क्या होता था कि डेली केस जब लार्ज लेवल पर यूएई में टेस्ट चालू था कोविड का, तो लगभग 2200 मतलब इस तरह का केस आता था। बट अभी टेस्ट तो कम है, मतलब टेस्ट पहले के मुकाबले अभी कम होना स्टार्ट हो गया, इसीलिए दोस्तों थोड़ा केस कम है। पहले के मुकाबले टेस्ट ज़्यादा आता था, इसीलिए केस भी ज़्यादा आता था। बट अभी केस कम आ रहा है क्योंकि टेस्ट भी कम हो रहा है। पहले वर्कर देखिए, आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो, आज का केस है दोस्तों 889, रिकवरी हुआ है 816, एक मतलब डेट हुआ है। टोटल केस आप देख सकते हो, टोटल रिकवरी देख सकते हो, एक्टिव केस देख सकते हो दोस्तों 18,929। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि अभी कोई ऐसा सिचुएशन नहीं आया कि कोविड पूरी तरह ख़त्म हो गया, इसलिए दुबई गवर्नमेंट ने अभी तक रूल उसी तरह का रखा है जैसा पहले था, क्योंकि बीच में थोड़ा केस एकदम कम आना स्टार्ट हो गया था। बट अभी क्या हुआ कि केस पहले के मुकाबले थोड़ा थोड़ा मतलब बढ़ नहीं रहा है, मतलब फिर भी उसी लेवल पे अटका हुआ है। इसलिए दोस्तों अभी आप लोग ये भरम में नहीं रहना कि कोविड पूरी तरह से दुबई में ख़त्म हो चुका है। आप देख सकते हो डेली 800, 900, 1000 इस तरह का केस आ रहा है। नो डाउट रिकवरी रेट भी बहुत यूएई में ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा मृत्यु कम रेट जो दोस्तों वो यूएई में ही हुआ है, क्योंकि यूएई गवर्नमेंट ने इस पे बहुत अच्छा से काम किया और बहुत एक्टिवली हर चीज़ को फॉलो किया। टेस्ट भी लार्ज लेवल पे, सबसे पहला वैक्सीनेशन जो हुआ दोस्तों और सबसे जल्दी, वो यूएई मात्र पहला ऐसा कंट्री था जो सबसे पहले वहाँ पर वैक्सीन सब ज़्यादा को लगाया गया, जबकि वो वैक्सीन खुद बनाया नहीं, दूसरे कंट्री से खरीद कर वो अपने जितने भी वहाँ पे काम करने वाले हैं या फिर वहाँ के निवासी हैं उनको सबको वैक्सीन, मतलब 96% अभी भी फुल वैक्सीनेटेड सब लोग हैं। तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो दोस्तों कि वहाँ पे गवर्नमेंट कितना टाइट है और गवर्नमेंट कितना रूल को फॉलो करते हैं। तो आप लोग ये सब भरम में नहीं रहना दोस्तों कि हाँ अभी कोविड पूरी तरह चला गया है दुबई से। इसीलिए गवर्नमेंट ने अभी जो भी पीसीआर टेस्ट के लिए दोस्तों 15 दिन के लिए वैलिड अभी तक रखा है, पहले 1 महीना का किया था, अभी 15 दिन का किया है। तो ये अपडेट था दोस्तों, तो मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। मिलता हूँ दोस्तों नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक गुड बाय, जय हिंद।